अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। टुडे माय टॉपिक इज़ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द मेन टॉपिक न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि डीएनए होता क्या है, डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। अब हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि कहाँ क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को टू ऑफस्प्रिंग्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? अगर इसकी बात करें कि इसकी अक्रेंस कहाँ पे होती है, ये हेरिडिटरी मटेरियल ज़्यादातर न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि इसके डीएनए के मॉडल, ये जो मॉडल है ये सबसे पहले किसने मॉडल दिया था, तो इसका सबसे पहले मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने इन 1953 ने वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, जिसमें उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा था कि डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड का मतलब अगर पता करें तो पॉली का मीन होता है मोर देन टू, यानी कि दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके एक चेन बनाते हैं। वैसी चेन्स, दो चेन्स मिलके आपस में अगर ओवरलैप करें तो वो क्या बनाती हैं, वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बेसिस हैं वो फोर टाइप्स की बेसिस हैं। नंबर वन पे है एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है एंड थायमिन है। डीएनए में कितनी बेसिस हैं? डीएनए में चार बेसिस हैं। नंबर वन पे एडिनिन, नंबर टू पे गुआनिन, नंबर थ्री पे साइटोसिन एंड नंबर फोर पे है थायमिन। अगर हम इनकी बात करें कि कौन सी बेस किस बेस के साथ अटैच होती है, तो हमेशा एडिनिन किसके साथ अटैच होती है, थायमिन के साथ, और गुआनिन किसके साथ अटैच होती है, साइटोसिन के साथ। अब एडिनिन और थायमिन में हमेशा डबल बॉन्ड होती है, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होती है, और ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये मॉडल मैंने बनाया था। यहाँ पे देखें हमेशा इनकी जो डायरेक्शन होती है डीएनए के स्ट्रैंड्स की, वो हमेशा क्या होती है, वो एंटी पैरेलल होती है। डायरेक्शन क्या होती है स्ट्रैंड्स की, एंटी पैरेलल होती है, यानी कि वो 5' to 3' मूव करते हैं या 3 to 5' मूव करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डीएनए का मैंने बनाया, तो इसका हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। तो ये देखें, ये 5' स्टार्ट हुआ एक स्ट्रैंड, जो कि यहाँ से मूव करते हुए 3' पे एंड हुआ है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमेशा ये देखें, थायमिन हमेशा किसके साथ अटैच हो रही है, एडिनिन के साथ, गुआनिन किसके साथ अटैच हो रही है, साइटोसिन के साथ। यही सीक्वेंस हमेशा चलता है, लेकिन वो चेंजिंग होती रहती है बेसिस की, हमेशा कभी थायमिन इधर चली जाती है, कभी थायमिन इधर आ जाती है, एडिनिन इधर चली जाती है या एडिनिन इधर आ जाती है, लेकिन हमेशा बॉन्ड जो बनती है वो हमेशा एडिनिन की थायमिन के साथ बनती है, और गुआनिन की हमेशा साइटोसिन के साथ बनती है। थायमिन और एडिनिन में कौन सी बॉन्ड होती हैं, डबल बॉन्ड होती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होती है जो कि वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये जो मैंने मार्कर से हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये फॉस्फेट और जो पेंटोज शुगर है उसने मिलकर एक स्टैंड बनाया जो कि डीएनए की क्या कहलाती है, बैकबोन कहलाती है। अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें तो जो दो बेसिस के दरमियान डिस्टेंस होता है, ये लिखा हुआ है, दो बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, हमेशा 0.34 नैनोमीटर। और ये जो बाल पॉइंट से हाईलाइट हुई, ये क्या है, ये क्या नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर हम पूरे डीएनए के विड्थ को माइश करें तो उसकी विड्थ हमेशा होती है 2 नैनोमीटर। अब हम ये सोचते हैं कि ये जो 5' है या 3' है, ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसको हम एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है, ये वाला डीएनए का स्ट्रक्चर जिसको मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है। अगर और एक्सप्लेन किया तो ये देखें, मेरे पास एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है,
ठीक है, उसके साथ हमारे साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ हमारे पास बेसिस लगी हुई है। मेनली ये लिटरली मैंने इसी स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन कर दिया, इसको खोल के यहाँ पे रख दिया है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है पेंटोज शुगर का, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये वाला 5 है। यहाँ पे देखें हमारे पास जब OH के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये देखें किस कार्बन नंबर पे अटैच हो रहा है, ये 1, 2 और 3, किस कार्बन पे 3 हो रहा है, कार्बन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखें यहाँ पे फिर हमारे पास 1, 2 एंड 3, यहाँ पे भी 3 पे अटैच हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप किस बॉन्ड से बनता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से मिलके बनता है, क्योंकि इसमें हमारे पास H2O वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे अटैच हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, और कार्बन नंबर 1 पे हमेशा क्या अटैच हो रही है, बेस अटैच हो रही है। इसी स्ट्रक्चर को हम अगर ओवरलैप करें, इसी स्ट्रक्चर को हम उल्टा करके देखें, तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 पे, 5 पे जाके अटैच हुआ है। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच हुआ था, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 पे, लेकिन इस साइड पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच हो रहा है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे। इसीलिए ये हमेशा क्या आ रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रहा है। ये स्ट्रक्चर इस वजह से हमेशा इसको कहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल होती हैं। थैंक यू।